हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो आई प्राइम कैपिटल के बारे में। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो किस तरह से अपना जो अमाउंट है उसका कितना मल्टीप्लाई होगा, उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और एक अंदाज बताएंगे कि किस तरह से क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की रैंक होती है और यहाँ पे अलग अलग तरीके की रैंक में आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपको किस किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो पर्सनल सेल्स हो चुका है, लगभग $1,800 का पर्सनल सेल्स हो चुका है। इन्वेस्टमेंट मेरा जो है समथिंग $252 का है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ग्रुप सेल्स हैं वो हैं $1,853 का, जो ग्रुप सेल्स हैं वो हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा और किस तरह से अगर आप यहाँ पे $1,000 अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस तरह से आपको किस तरह से एक प्रॉफिट होगा, किस तरह से आप यहाँ पे कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो दोस्तों अब हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे और आपके सामने। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, देखिए अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं $1,000, ठीक है, पर डे यहाँ पे $15 अपना यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है, $15 पर डे। ओके, यहाँ पे अगर वीकली की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है वीकली 75, यानी कि एक वीक में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो 5 दिन होती है और यहाँ पे $75 वीकली आपके जनरेट होते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट वीक की, यानी कि 5 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे $75 अपना हो जाता है। और अगर नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो $1,075 से ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो होता है $1,075 से अपनी ट्रेड स्टार्ट होती है और उसमें से $16 पर डे अपना यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, $16 में से, यानी कि अगर 5 दिन की ट्रेड गिन लेते हैं तो $80 वीक का जनरेट होता है। और यहाँ पे अगर 2 वीक का जो प्रॉफिट होता है वो मिला के $1,155 अपने यहाँ पे सेकंड वीक हो जाते हैं। अगर बात करते हैं तो उसके बाद पर डे 1,155 का अपना कैपिटल होता है फॉरेक्स में और यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट होता है $17 पर डे। और वीकली होता है समथिंग $85 वीकली यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट होता है। उसके बाद यानी कि फर्स्ट वीक का ये हो चुका है, सेकेंड वीक का ये हो चुका है, थर्ड वीक का ये हो चुका है और फोर्थ वीक, यानी कि एक मंथ में अपना जो जो कैपिटल होता है, ये $85 का जो कैपिटल होता है उसको जनरेट करके प्लस करके यहाँ पे अपना वापस हो जाता है $1,240 का कैपिटल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पर डे उसके बाद $18 जनरेट होते हैं और उसमें से लास्ट वीक यानी कि मंथली के लास्ट वीक में अपना प्रॉफिट जनरेट होता है $1,325 का, 30 दिन का प्रॉफिट। यानी कि अपनी जो ट्रेड चलती है एक वीक में 5 दिन ही चलती है और महीने की अगर बात करते हैं तो 4, यानी कि 23-24 दिन के आसपास अपने यहाँ पे ट्रेड चलती है। ठीक है, तो 24 नहीं समथिंग 20 दिन के आसपास, 20 दिन अपनी ट्रेड चलती है। ये 20 दिन का आपको मैं प्रॉफिट जनरेट करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे 1,325 में से कुछ डिडक्शन रहता है समथिंग, जो डिडक्शन काट के लगभग लगभग यहाँ पे $1,250 के आसपास डॉलर का अपना प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं, मैं डिडक्शन अभी नहीं काट रहा हूँ, डिडक्शन बिगर काटे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक की अगर बात करते हैं, ये 30 दिन का प्रॉफिट है, यानी कि अगर इसमें कंपाउंडिंग करते हैं तो एक वीक में 1,325 में से अपना जो नेक्स्ट वीक का जो प्रॉफिट होगा वो होगा, नेक्स्ट वीक का दोस्तों जो प्रॉफिट होगा वो होगा लगभग लगभग मान के चलिए कि $20 के आसपास, यानी कि $19 का अपना प्रॉफिट पर डे का स्टार्ट होता है। यानी कि अगर अपना जो कैपिटल है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे ये है कि आपको समथिंग 2 मंथ आपको यहाँ पे वेट करना होगा। 2 मंथ आप अगर आप यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं या फिर 3 मंथ कंपाउंडिंग करते हैं तो यहाँ पे बड़ा अपना जो प्रॉफिट है जनरेट होता है 1,325 में से। नेक्स्ट मंथ की अगर बात करते हैं समथिंग यही कैपिटल अपना $300 अगर आप बढ़ाते हो तो $300 यानी कि 17-19-20 डॉलर पर वीकली अपने को यहाँ पे आता है। ठीक है, वीकली $20 आता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
पर डे का $20 यानी कि वीकली का $100 हो जाता है यहाँ पे। और $100 में से मान के चलिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया $100, और 5 दिन का जो प्रॉफिट होगा वो होगा $500, नहीं सॉरी $100 वीकली यानी कि $100 का 5 दिन का प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद अपना जो कंपाउंडिंग होगा $1425 से होगा, और 1425 में से जो नेक्स्ट वीक का जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो होगा $22 के आसपास। ठीक है, $22 में से अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि $22 का अपना प्रॉफिट जनरेट होता है, तो 22 में से आपका नेक्स्ट 5 दिन में आपका जो प्रॉफिट जनरेट होगा $110 का, यानी कि अपना जो अकाउंट होगा वो समथिंग यहाँ पे आप कंपाउंडिंग कर दीजिए, यहाँ पे हो गया 1400, फर्स्ट वीक में अपना अमाउंट हो गया 1425, ओके, प्लस यहाँ पे 3 वीक बाकी है तो 3 वीक का 300 और जोड़ लीजिए। यहाँ पे अगर मान के चलते हैं तो अपना जो अमाउंट हुआ वो हो गया 1725, तो टोटल जो 2 मंथ है यानी कि 60 दिन में जो अपना अमाउंट बनता है वो $1725 का बनता है। ठीक है, तो ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग है। देखो किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी रिस्क एंड रिसर्च खुद करके आप करिए। और 1725 में से अगर वापस नेक्स्ट मंथ अगर गिनते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का वापस वही बात है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1725 प्लस $25 का पर डे का प्रॉफिट होता है, और 20 दिन का $500 होता है। तो 3 मंथ के अंदर अपना जो अमाउंट होता है यानी कि 3 मंथ के अंदर अपना अमाउंट यहाँ पे डबल हो रहा है। ठीक है, 3 मंथ के अंदर यहाँ पे 1725 प्लस 500 प्लस कर लीजिए नेक्स्ट वीक का, ठीक है, $500 मतलब के जो मंथली जो प्रॉफिट होगा 3 मंथ का, ये प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ, 500 प्लस कर लीजिए तो यहाँ पे $2250 होते हैं। ठीक है, ये $2200 $2250 हो गया। ओके, तो 2250 में से अगर हम यहाँ पे डिडक्शन करते हैं तो डिडक्शन करके अपना जो अमाउंट है वो अपना हो रहा है 3 मंथ के अंदर डबल हो रहा है। समथिंग $2000 में से आप $1000 का विड्रॉल ले लीजिए अपने कैपिटल का, और उसके बाद में आप यहाँ पे अपना जो कंपाउंडिंग करते रहिए। तो ये इस तरह से आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है वर्किंग इनकम, तो वर्किंग इनकम भी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट लेवल से जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होता है लगभग लगभग मान के चलिए कि आपने किसी को रेफर किया, 50% फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे 30% है। जब आपका अकाउंट हो जाएगा $1000 का आपका डायरेक्ट का या फिर ग्रुप बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद में $500 का आपका कैपिटल होना चाहिए, तो उसके बाद में 30% भी आप लेने के लिए हकदार होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जितने भी वर्किंग करेंगे अगर आपके नीचे टीम होती है तो यहाँ पे 50% रेफर इनकम भी यहाँ पे जनरेट होती है। तो 50% दोस्तों कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ वर्किंग करना चाहते हो तो वर्किंग करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कंपाउंडिंग करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट है, रिस्क और रिसर्च खुद की करिए, उसके बाद में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए, सीधी सी बात है और सीधा सा फंडा है। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं आई प्राइम कैपिटल के अंदर। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।